शबनम, अभी तक कोई भी नहीं आया। बहुत बखत हो गया ना। सब काम एकदम फिट हो गया है, देखो कैसे चकाचक लग रहा है। लेकिन ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मैं देख के आता हूँ, बुला के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, जिसे आना है वो खुद आ जाएगा। जी जी, भूल गए होंगे, एक से एक बड़े भुलक्कड़ हैं इस गांव में। शंभू के घर तक बहुत बड़ा समारोह है, सारे गांव के लोग वहां आएंगे। माँ खूब सजावट है, जल्दी चलो ना। माँ सुना नहीं तूने, हम नहीं जा रहे हैं। क्या पर क्यों माँ? बेटे वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। शबनम वो देखो, वो आ गए। नमस्ते, मुझे आने में देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आओ ना। और पियो लल्लन के हाथ का बना ठंडा ठंडा शरबत। विमला तुम्हारा नाम लिखते हैं। अब आ रहे हो तुम? हाँ बाकी मियाँ, आदाब बोलिए। आदाब आदाब, आओ ना बैठो। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है ना? तुमने झूठ बोला ना माँ? नहीं रे वो माँ, बापू ने मना किया है ना समारोह में जाने के लिए। नहीं बेटा, वो भला क्यों मना करेंगे? फिर हमें क्यों नहीं ले जाती हो? बापू माँ को मारेंगे ना इसीलिए। ठीक है माँ, हम नहीं जाएंगे। आप लोग शांत बैठ जाइए, थोड़ी ही देर में हम अपनी आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत होगी या क्रियाक्रम की, ये हम बताएंगे। सुन लिया रे तुम सब लोग, चलो अपने अपने घर। खत्म हो गया पैंचियों का तमाशा। आप लोग रुक जाइए, देखिए यहाँ पर कोई तमाशा नहीं हो रहा है, यहाँ आंगनबाड़ी शुरू होने वाली है। शुरू हो रही थी बहन जी,
तब तक जब तक मंगत भैया नहीं आए थे। अब हम आ गए, पड़ गए तंबू, खत्म हो गया खेल। तुम्हारी ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, और वैसे भी ये आंगनवाड़ी मैं शुरू कर रही हूँ, ये तो शुरू होके रहेगी। आप लोग बैठ जाइए। भाई जी, आपने ना हमारी बहन की बेटी तीरंदाज, जिसकी आवाज हमें देखकर हलक में अटक जाती थी, उसकी छुरी आज हमारे सामने ऊंची आवाज में बात कर रही है। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, एक अच्छा काम हो रहा है। छा छा से झंडा तू भी लहरा रहा है यहाँ मास्टर। देखिए, आप भी इस समारोह में शामिल हुई है, ये तो गांव की भलाई के लिए है। गांव की भलाई अब शहर वाले देखेंगे। भाई जी, आज बातें कान खोल कर सुन लो। बहन जी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी भलाई। सीधी सड़क पकड़कर निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे लड़के उठाकर तुम्हें बस में फेंकाएंगे। तुम्हारी ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, चले जाओ यहाँ से। मेरे ख्याल से आप जाइए यहाँ से और इन्हें अपना काम करने दीजिए। शबनम यहाँ की आंगनवाड़ी बहन जी, एक सरकारी काम कर रही है और आप इसे रोक नहीं सकते। चलो भाई। ओ, मां से मास्टर, रोक तो हम बहुत कुछ सकते हैं, कहे तो पट से तेरी नाक के पास घूमती हुई सांस को भी रोक दें। आप तो समझदार हो मास्टर जी, और फिर गांव में ये मेला वेला करने के लिए पंचायत की रजामंदी तो चाहिए होती है क्या? हमारे पास पंचों की रजामंदी है। क्या है यहाँ जमा लोगों में से तो कोई भी पंच नहीं है भैया। वो लोग आते ही होंगे, और वैसे भी आंगनवाड़ी का उद्घाटन करने के लिए खुद सरपंच जी आ रही हैं। सरपंच और उद्घाटन। कहा सरपंच जी, वो नहीं है ना के। पंचायत की रजामंदी तो है नहीं इनके पास, अब करना क्या भाई जी? करना क्या, सारा तीन टप्पर उठा के बाहर फेंक दे, अगर कोई चू चपड़ करे तो फंदे पे उठा के कुएं में फेंक दे उसे। मंगत बाबू, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, बात तो अब पड़ गई है मास्टर। मंगत के आदमी का कोई हाथ पकड़ ले, ऐसा 10 गांव में अभी तक पैदा नहीं हुआ कोई। देखिए, हम यहाँ कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अगर बात मान लो तो काहे का झगड़ा करेंगे, और ना मानो तो हम तुम्हारी कोई बात मानने के लिए मजबूर नहीं हैं। राम राम मास्टर जी, सब ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आप इनको भी झेलो। बहुत वक्त हो गया रे, खत्म करो बहनजियों का तमाशा। जाओ।
ये काम हम सब मिलकर करेंगे। प्रणाम बाबूजी। जी जी वो शहर से आ गए हैं। आप मेरे मंगेतर होने के बाद मेरी अंधी बहन के साथ गुलछर्रे उड़ाना चाह रहे हैं। किससे झगड़ा करके आई हो क्या? तुम्हें कैसे पता?